हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रीमन इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर 1 में मैं आपको पार्टीशंस और अपर एंड लोअर सम को निकालना सिखाऊंगा जी, क्योंकि रीमन इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो पार्टीशन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा पार्टीशन क्या होती है। लेट ए बी इज अ क्लोज्ड इंटरवल एंड इट इज डिवाइडेड इनटू एन सब इंटरवल्स। पार्टीशन का मतलब है कि जो एक इंटरवल है उसको आपने ब्रेक करके स्मॉल सब इंटरवल्स में बना लेना है। पार्टीशन का मतलब डिवीजन। तो एक इंटरवल जो एन है उसके आपने छोटे छोटे पार्ट्स कर लेने हैं, जो पार्ट्स करने हैं उसके एन सब इंटरवल्स बनाने हैं। देखिए, ये एक इंटरवल है ए से लेके बी तक, ठीक है जी। तो इसको पहले पॉइंट को हम एक्स नॉट बोलते हैं, एक्स जीरो, और लास्ट पॉइंट को हम एक्स एन बोलते हैं। तो इस इंटरवल के मैंने इंटरवल सब इंटरवल्स बना लिए, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, सो ऑन। बीच में जनरल टर्म है एक्स आई माइनस वन, एक्स आई, चलते चलते एक्स एन माइनस वन। तो ये मेरा पहला सब इंटरवल हो गया भाई, एक्स नॉट से एक्स वन, दिस वन, ये मैंने लिखा हुआ है। ये मेरा सेकंड हो गया एक्स वन से एक्स टू। अगला मेरा सब इंटरवल होगा एक्स टू से एक्स थ्री। इस तरह मैंने एक इंटरवल ए बी के एन सब इंटरवल्स बनाए हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्टीशन। ओके, सेट पी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, ए एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री, सो ऑन एक्स एन इज कॉल्ड पार्टीशन। अब जो हमारे पास ये छोटे छोटे सब इंटरवल्स बने हैं, इन सभी की जो लेंथ होती है हम उसको डिनोट करते हैं डेल्टा आई से, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल। ये देखो, यहाँ पे जो मैंने सब इंटरवल लिया, ये वाला लिया है, जनरल इंटरवल लिया है एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, ये भी क्लोज इंटरवल है, इसकी लेंथ को हम डिनोट करते हैं डेल्टा आई। जब हमें लेंथ निकालनी होती है इंटरवल की, उसका तरीका होता है सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। ओके जी, यहां में आई की वैल्यू वन से लेके एन तक है। ओके जी, अब हमारे पास कंसेप्ट है अपर एंड लोअर सम्स। अपर सम क्या होता है बेटा और लोअर सम क्या होता है? अगर स्मॉल एम आई का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन इन दिस इंटरवल, यानी कि उसकी लोअर बाउंड निकालनी है विच इज ग्रेटेस्ट, एंड कैपिटल एम आई जो होगी उसकी होगी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ इस इन दिस इंटरवल। अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और लोएस्ट लीस्ट अपर बाउंड है, तो उसकी हेल्प से हम लीस्ट क्या कहते हैं, लोअर सम निकाल सकते हैं और अपर सम निकाल सकते हैं। लोअर सम को बोलते हैं एलपीएफ, इसका मतलब है लोअर सम ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। इसका फार्मूला है समेशन आई वन टू एन स्मॉल एम आई ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, वट इज दिस अवर डेल्टा आई लेंथ ऑफ सब इंटरवल, यानी कि दिस इज फार्मूला फॉर लोअर सम। अगर हमें अपर सम का फार्मूला निकालना है तो वहां पे ये स्मॉल एम आई की जगह कैपिटल एम आई कर दीजिए, वो जो हमारी लीस्ट अपर बाउंड है, साथ में डेल्टा ही आ जाएगा। दीज आर द लोअर एंड अपर सम्स ऑफ द फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। अब जो हमने रीमन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने हैं, पहले हमें सीखना है कि अपर एंड लोअर सम कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, फाइंड एलपीएफ एंड यूपीएफ फॉर द फॉलोइंग। हमें एक फंक्शन दिया गया है, ये मेरी पार्टीशन है, ठीक है। फंक्शन देखो, पार्टीशन का मतलब है कि पहला पॉइंट वन है और आखिरी फोर है, यानी कि वन टू फोर इंटरवल था। ये मेरा एक्स जीरो होगा, ये एक्स वन होगा, ये एक्स टू होगा, ये एक्स थ्री हो गया। ये देखो, वन से टू गए हम पहले, टू से थ्री, टू से थ्री, तो मेरे तीन सब इंटरवल बने इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इनकी सभी की आप पहले आपने निकालनी होती है लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स कैसे निकालते हैं? सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट निकाल दो, ये मैंने जनरल लिखा हुआ है एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। तो सभी की लेंथ कितनी है? वन वन की है, ठीक है जी। जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने उसकी लेंथ ऑफ सब इंटरवल निकालनी है। लेंथ ऑफ सब इंटरवल निकालने के बाद आपने देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब फंक्शन आपका वन अपोन एक्स है, इसका जब डेरिवेटिव करोगे आ जाएगा माइनस वन अपोन एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस, अगर किसी का डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो हम उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, अगर किसी का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। तो क्योंकि ये डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो, अब हमने क्या करना है, ये स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई निकालना है। ये मेरा था जी एल बी, ये मेरी थी लीस्ट अपर बाउंड। ये निकालने का तरीका कि आपने जितने सब इंटरवल्स बने हैं इसके, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, तीनों में निकालना है। तो पहला सब इंटरवल मेरा वन टू टू है, फंक्शन मेरा वन अपोन एक्स है। एक बात ध्यान रखनी, अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो स्मॉल एम आई है, छोटी वैल्यू है, वो छोटे पॉइंट को आएगी,
और जो बड़ी वैल्यू है बड़े पॉइंट पे निकलेगी। अगर आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, जो आपकी छोटी वैल्यू है बड़े पॉइंट पे निकलेगी और जो बड़ी वैल्यू है वो छोटे पॉइंट पे निकलेगी। आप खुद ही देख लीजिए। अब मुझे स्मॉल एम आई निकालना है क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं बड़ा पॉइंट पुट करूंगा इसमें, टू वन बाई टू एक्स की जगह पुट कर लिया। अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो एक्स की जगह वन पुट कर दो, तो वन बाय वन। तो खुद ही देख लो, जब हमने बड़ा पॉइंट पुट किया तो छोटी वैल्यू आई है, और जब छोटा पॉइंट पुट किया तो बड़ी वैल्यू आई है। तो ये मेरी पहले इंटरवल की वैल्यूस आ गई, एम वन स्मॉल कैपिटल एम वन। अब सेकेंड इंटरवल मेरा टू से थ्री है, ठीक है जी, तो उसमें हम लिखेंगे एम टू एम टू, स्मॉल एम टू कैपिटल एम टू। जब स्मॉल एम टू निकालना है आपने तो थ्री पुट होएगा एक्स की जगह, जब बड़ा एम टू निकालना है तो टू पुट होएगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर हमें एम थ्री कैपिटल एम थ्री निकालना है तो सब जो स्मॉल वैल्यू निकालनी है तो बड़ा पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पे फोर, बड़े में थ्री पुट करेंगे। ये जब वैल्यूस आ गई तब आप एल पी एफ और यूपीएफ निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको एल पी एफ का फार्मूला बताया है, समेशन एम आई डेल्टा आई। तो छोटा एम आई है और डेल्टा आई का मतलब है लेंथ ऑफ सब इंटरवल, वो हमारी वन है यहाँ पे देखिए, तो इसको मैंने वन लिख लिया। समेशन आई वन टू थ्री, समेशन इस तरह लगानी जितने आपके सब इंटरवल्स हैं। तो यहाँ पे आपके तीन सब इंटरवल्स हैं, तो ये जब खोलोगे तो ये बनेगा स्मॉल एम वन स्मॉल एम टू स्मॉल एम थ्री। तो इन तीनों की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वन बाय टू वन बाय थ्री वन बाय फोर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो अपर सम निकालना है उसका फार्मूला है समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा आई, डेल्टा आई आपकी फिर वन है यहाँ पे, तो यहाँ पे समेशन एम आई रह गया क्योंकि इसकी वैल्यू तो वन नहीं है। इसको जब खोलोगे कैपिटल एम वन, एम को आई को वन पुट किया प्लस आई को टू पुट किया प्लस आई को थ्री पुट किया, तो वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री, इसको सिंप्लीफाई किया, आपका लोअर सम भी आ गया और अपर सम भी आ गया। इज इट ओके? ठीक है जी, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड फंक्शन है साइन एक्स ऑन जीरो टू नाइनटी बाई डिवाइडिंग इन टू थ्री इक्वल पार्ट। अब इसके थ्री इक्वल पार्ट बनाने हैं। पिछले क्वेश्चन में भाई उसने हमें पहले ही इंटरवल बना के दिया था, हमें उसने पहले ही इंटरवल बना दिए थे, यहाँ पे इंटरवल नहीं बनाए हुए। तो जब आपको सब इंटरवल्स बनाने हैं तो पहले लेंथ ऑफ सब इंटरवल निकाल लो। लेंथ ऑफ सब इंटरवल निकालने का फार्मूला है बी माइनस ए अपॉन एन, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। तो बी मेरा 90 है, ए मेरा 0 है, एन कितना, जितने मेरे पार्ट्स हैं 3, तो पाई बाय 6 हो गया। अब मुझे ये जो इंटरवल है इसके ही डिवाइड करना है, इसको पाई बाय 6 के हिसाब से। पहले मेरा 0 पॉइंट है, 0 में पाई बाय 6 से ऐड करूंगा तो पाई बाय 6 आएगा, फिर पाई बाय 6 में पाई बाय 6 से ऐड किया 2 पाई बाय 6 हो गया, वो कैंसिल होकर पाई बाय 3 बन गया, फिर इसमें पाई बाय 6 से ऐड करो वो 3 पाई बाय 6 हो गया, तो ये पाई बाय 3 हो गया, ये कट के पाई बाय 2 आ गया, तो लास्ट वाला पॉइंट बन गया। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो कितने सब इंटरवल्स बने, 1 2 3 सब इंटरवल्स बने, ये एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हो गया। जब आपकी लेंथ ऑफ सब इंटरवल आपके पास है, पार्टीशन बन चुकी है, फिर चेक करो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है आपका, साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो छोटा पॉइंट है, छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू आएगी एम आई, और बड़े पॉइंट पे कैपिटल एम आई निकलेगा। तो सभी इंटरवल्स में आपने एम वन और बड़ा एम वन निकालना होता है। देखो अगर पहला इंटरवल है तो उसमें स्मॉल एम वन और कैपिटल एम वन आएगा, अगर सेकेंड इंटरवल है तो एम टू आएगा। इस तरह आपने वैल्यूज निकालनी होती है बेटा। तो जब पहला इंटरवल है मेरा 0 से पाई बाय 6, ठीक है जी, तो इसमें जब हम छोटा एम वन निकाल लेंगे तो छोटी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन 0 0 हो गया। और जब बड़ी वैल्यू निकालनी है तो इसमें ये पॉइंट पुट करेंगे, साइन पाई बाय 6, उसकी वैल्यू 1 बाय 2 आ गई। जब हमें सेकेंड इंटरवल में जाना है तो स्मॉल एम टू निकालना, तो छोटा पॉइंट पाई बाय 6 है, साइन पाई बाय 6 साइन 30 हो गया 1 बाय 2, कैपिटल एम साइन 60 डिग्री पाई बाय 3 60 रूट 3 बाय 2 आ गया। इसी तरह थर्ड इंटरवल में चले जाना आपने, वहां पे स्मॉल एम थ्री और कैपिटल एम थ्री निकालने के बाद आप अपना एल पी एफ और यू पी एफ निकाल सकते हो फार्मूले की हेल्प से। फार्मूला है एम आई डेल्टा आई, यहाँ पे कितनी थी डेल्टा आई, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, ये देखो पाई बाय 6 निकाली हुई है, तो पाई बाय 6 पुट कर ली, इसको बाहर रखा, समेशन लगाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, इन तीनों की अपनी वैल्यू पुट कर देनी है, इसको प्लस करके रूट 3 प्लस 1, नीचे से 2 निकल के 12 बन गया। इसी तरह यू पी एफ निकाल लेना है, ठीक है। ये यूपीएफ एलपीएफ और यूपीएफ का फार्मूला बिल्कुल सेम है भाई, ठीक है जी। तो पाई बाय 6
m1 प्लस m2 प्लस m3 इनकी वैल्यूज पुट करो, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में इसमें तीन तीन इंटरवल्स थे। अब हम एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड लोअर एंड अपर सम फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर इन 0 to 1 इन n सब इंटरवल्स। अब आपने इसके n हिस्से बनाने, n इंटरवल्स में तोड़ना है। फंक्शन लिख लिया, इंटरवल लिख लिया, जब आपको इंटरवल्स खुद बनाने हैं पहले डेल्टा ई निकालिए। डेल्टा ई का मतलब है कितनी सब इंटरवल की लेंथ रखनी है। b माइनस ए अपॉन एन, दिस इज b, दिस इज a, 1 माइनस 0 अपॉन एन, 1 बाय एन, यानी कि 1 बाय एन के हिस्से बनाने। शुरू करना है 0 से, 0 में 1 बाय एन ऐड किया, 1 बाय एन, फिर 2 बाय एन, 3 बाय एन, क्योंकि ये n इंटरवल्स है। जब भी n इंटरवल्स लिखने हैं उसमें हमेशा आपने जनरल टर्म लिखनी है। एक होगी i बाय एन, उससे पहली होगी i माइनस 1 बाय एन, क्योंकि सिंपल काउंटिंग चल रही है, लास्ट टर्म हमारी n बाय एन है। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर है, आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, इट इज अ सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके जी, तो अब इसमें क्या होता है, जब आपके पास n सब इंटरवल्स होते हैं तो अब आपने सिंगल सिंगल इंटरवल के लिए काम नहीं करना, तो आपने सिर्फ जनरल इंटरवल के लिए काम करना है। ये वाले इंटरवल के लिए सिर्फ इस इंटरवल में छोटा एम आई और बड़ा एम आई निकाल लेना है। अब सारी वैल्यू नहीं निकालनी आपने, पिछले क्वेश्चन में 3 इंटरवल है, जब 4 इंटरवल है वहां पे तो आपको सिंगल सिंगल इंटरवल की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है जी, जब आपके पास क्या कहते हैं बड़ा क्वेश्चन है एन इंटरवल्स वाला, तो हर एक इंटरवल में वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, जनरल इंटरवल लीजिए। देखो यहां पे लिखा है, वी विल फाइंड स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आई इन इन दिस इंटरवल। ये इंटरवल क्या है, आई माइनस 1 ओवर एन कोमा आई अपॉन एन। अब जो छोटा एम आई है वो मैं कैसे निकालूंगा, छोटा एम आई छोटे पॉइंट पर निकलेगी क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दीजिए यहां पे, आई माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। जो बड़ा वैल्यू है वो बड़े पॉइंट पर निकलेगी, उसको यहां पे पुट कर दीजिए। तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैं एलपीएफ निकालने जा रहा हूं, एलपीएफ का फार्मूला है आई 1 to n, क्योंकि यहां पे n इंटरवल्स हैं सब, एम आई डेल्टा आई, डेल्टा आई की वैल्यू 1 अपॉन n है, वो मैंने लगा दी। छोटे एम आई की वैल्यू मैंने ये पुट कर ली है, नीचे से n स्क्वायर इंटू n, n क्यूब हो गया, बाहर चला गया, ये समेशन इसके ऊपर रहेगी। आई को 1 पुट करो यहाँ पे 0 बन जाएगा, आई को 2 पुट करोगे 1 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 2 आ जाएगा, लास्ट में n पुट करोगे ये बन जाएगा। नाउ दिस इज 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, n माइनस 1 स्क्वायर, इट इज अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस। इसका फार्मूला क्या होता है, n माइनस 1 n 2n माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है जी, इसका फार्मूला है, तो यहां पे इसको आप काट भी सकते हो, इसको सॉल्व करके यहीं पे छोड़ देना आपने। इसी तरह जब यूपीएफ निकाल लोगे तो वहां पे कैपिटल एम आई डेल्टा ही आ जाएगा। अब कैपिटल एम आई की वैल्यू आपके पास ये है भाई, डेल्टा ही आपका 1 अपॉन एन है। ठीक है, तो नीचे से एन क्यूब बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एन स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है, एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 अपॉन 6, नीचे आपका एन क्यूब वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। ठीक है जी, तो दोनों पार्ट्स में एलपीएफ और यूपीएफ में आपका फार्मूला लगा है। देखो यहां पे आपको फार्मूला बताता हूं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एन स्क्वायर का फार्मूला होता है एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 अपॉन 6। अगर ये 0 से स्टार्ट हो और लास्ट में एन माइनस 1 आता हो तो फार्मूले में एन की जगह एन माइनस 1 कर दो, यहां पे एन माइनस 1, यहां पे एन आ जाएगा, यहां पे आपका 2 एन माइनस 1 आ जाएगा, तो फार्मूला इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हमने सीखा है कि हाउ टू फाइंड लोअर एंड अपर सम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।